हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स एंड हैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सर्दियों में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम से कैसे बचे। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। ड्राई स्किन वालों को सर्दियों में काफी प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन में इचिंग होने लगती है या उनकी स्किन लाल हो जाती है, स्किन का कलर कई बार डल भी होने लगता है। तो ड्राई स्किन के लिए हमें देखभाल करना काफी जरूरी होता है। इसलिए फ्रेंड्स, सर्दियों में सबसे पहले पानी पीना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दियों में हमारा अधिकतर पानी पीने का मन नहीं होता है। इसलिए हमें 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। सर्दियों में भी पानी को बिल्कुल इग्नोर ना करें, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए ताकि आपकी स्किन काफी अच्छी रहे, ड्राई भी ना हो। इसलिए आप हल्का वॉर्म वाटर पी सकते हैं सर्दियों में ताकि आपकी स्किन काफी अच्छी हो, और हो सकता है तो उसके अंदर आप 1 चम्मच शहद और आधा लेमन का रस मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपकी स्किन काफी अच्छी होगी। वाटर स्किन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, वह हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, इसलिए हमें वाटर का सेवन करना काफी जरूरी होता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक ड्राई स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जो काफी अच्छे होंगे, स्किन के लिए इफेक्टिव होंगे। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उनकी स्किन पर रेसेस, इचिंग, ड्राइनेस काफी जल्दी होती है, तो उन लोगों के लिए यह मास्क काफी हेल्पफुल होगा। मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड, सबसे पहले 1 चम्मच प्योर कोकोनट ऑयल लीजिए और 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 चम्मच मिल्क क्रीम लीजिए और 1/2 चम्मच टर्मरिक लीजिए। इन सभी मिश्रण को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और 15 से 20 मिनट बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए वॉर्म वाटर से। यह काफी अच्छा फेस पैक है सेंसिटिव और ड्राई स्किन वालों के लिए। यह बहुत अच्छा फेस पैक है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है फ्रेंड्स। नारियल के तेल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन के लिए काफी अच्छी होती है, और फ्रेंड्स नारियल के ऑयल में एंटी फंकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि काफी अच्छी होती है, जो हमारी स्किन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, जैसे पिंपल प्रॉब्लम से बचाती है। नारियल का ऑयल काफी अच्छा होता है और हनी भी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शहद भी मॉइस्चराइजर एजेंट है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, काफी अच्छा होता है हनी स्किन के लिए, तो आप इन सब का यूज कर सकते हो, सेंसिटिव स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी। फ्रेंड्स, यह मास्क को आप हफ्ते में 4 बार यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, और आप यह मास्क को जब आप यूज करोगे तो अच्छे वॉर्म वाटर से अपना फेस वॉश करके अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन पर सूट होता है वह अप्लाई कर ले। और अगला मास्क जो आपको बताती हूँ वह काफी अच्छा है स्किन के लिए, फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिए, इसमें 1 चम्मच आप ग्रीसलिन मिला लीजिए और 1 चम्मच मिल्क क्रीम मिला लीजिए। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, यह भी काफी अच्छा मास्क है ड्राई स्किन वालों के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। यह आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, आपकी स्किन पर इचिंग प्रॉब्लम को भी दूर करेगा और आपकी स्किन का कलर फेयर करने में भी काफी हेल्पफुल होगा। यह मास्क भी काफी अच्छा है स्किन के लिए। फ्रेंड्स, फ्रेश एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, वह काफी अच्छा होता है स्किन के लिए, वह स्किन ड्राई हो जाते हैं, स्किन पर जो ड्रेसेस हो जाते हैं उन्हें रिमूव करने में काफी हेल्पफुल होता है। एलोवेरा जेल काफी अच्छा होता है स्किन के लिए। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल का यूज आप स्किन टैनिंग या पिंपल प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में काफी हेल्पफुल होता है, तो आप लोग एलोवेरा जेल और मिल्क क्रीम और ग्रीसलिन का फेस पैक बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ठीक होगी और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी काफी अच्छा फेस पैक है। और एलोवेरा जेल ऑल स्किन टाइप पर सूट हो जाता है, यह काफी अच्छा होता है स्किन के लिए, तो आप एलोवेरा का यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस मास्क को भी आप हफ्ते में 4 बार लगा सकते हैं, काफी अच्छा है यह स्किन के लिए। तो यह फेस पैक काफी अच्छे है जो मैंने आपको आज बताए हैं। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज करोगे वह काफी अच्छा होगा, तो
तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल का ही यूज कीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर यह सवाल आता है आपके दिमाग में, बोतल में पैक आते हैं मार्केट में वह एलोवेरा यूज कर सकते हो, या ट्यूब में आते हैं वह एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उन एलोवेरा जेल में पैराबेन, ग्लाइकोल, बेंजाइल, एल्कोहल, एथेनॉल जैसे केमिकल्स डालते हैं ताकि वह खराब ना हो। जो ट्यूब में और बोतल में एलोवेरा जेल आते हैं उनमें यह सब यूज में लिए जाते हैं ताकि यह खराब भी ना हो। इस कारण से फ्रेंड्स, इस एलोवेरा जेलों में प्राकृतिक क्षमता खत्म हो जाती है, वह फ्रेश एलोवेरा नहीं रहते हैं। मैं यहाँ कहूंगी कि आप घर पर ही फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज करें तो काफी अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। अगला मैं फेस पैक बता रही हूँ वो काफी अच्छा फेस पैक है ड्राई स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। फ्रेंड्स, 1 चम्मच ऑटमील लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए और 1 चम्मच दूध, इन सबको अच्छा मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। यह काफी अच्छा फेस पैक है ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। यह स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, स्किन की ड्राइनेस को कम करेगा और आपकी स्किन पर इचिंग प्रॉब्लम है उन्हें भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन को डार्क होने से भी रोकेगा। ऑटमील काफी अच्छा होता है फ्रेंड्स स्किन के लिए। ऑटमील में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, स्किन को सॉफ्ट और साफ करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो ओटमील काफी अच्छा होता है स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी का फेस पैक बनाकर 15 से 20 मिनट अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। वो सूख जाने के बाद वार्म वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए। इसके बाद आपको जो भी मॉइस्चराइजर सूट होता है वह अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। यह काफी अच्छे फेस पैक है फ्रेंड्स जो आज मैंने आपको बताए हैं। यह सभी काफी अच्छे फेस पैक है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है और सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम है वह सब ठीक होगी। काफी अच्छे फेस पैक है, इफेक्टिव फेस पैक है, तो आप इनका यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। विंटर्स के लिए काफी अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।